इन्होंने 20-20 का इतने सारे करेंसी दे दिए ना कि आज तक मैंने इतने करेंसी हरे हरे देखे हैं यार। यहाँ की करेंसी में मैंने खर्च किए हैं 80 लाख रुपए। ये देखो, ये बेड देखो, ये आपका कॉमन चीज है। ये क्या है, कॉन्डम? ये मजा आने वाला है भाई साहब। वेलकम टू थाईलैंड बैंकॉक। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? फाइनली यार, अभी हम है वियतनाम में और आज हमारा प्लान ये है कि हम आज यहाँ से निकल रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं यहाँ से इससे भी ज़्यादा एडवेंचर वाले जगह पे, यानी हम थाईलैंड जा रहे हैं। यहाँ से जहाँ पे हम ठहरे थे उसके बारे में बता दूँ, बहुत ही टॉप लेवल का हॉस्टल मिला हमें अभी तक ट्रिप में, ये ओल्ड टाउन बैकपैकर, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ही मौज मस्ती किया जैसे कि हमने पिछला वीडियो देखा होगा। तो चलो यार, निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं लेके आपको एक और खूबसूरत जगह, एडवेंचर वाला जगह थाईलैंड में। बाय 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 बाय। तो फाइनली यार, आ चुके हैं हम एयरपोर्ट पे और ये देख रहे हो ना पीछे है नोई बोई एयरपोर्ट का नाम है, लेकिन हाँ ये अभी जहाँ पे उतारी है बस, यहाँ पे ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका कुछ सिस्टम अलग है। ये देखो, ये इधर जाना है हमें यार। एयरपोर्ट ना, एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है जैसे कि देख रहे हो आप, और हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से हमारी एंट्री डिपार्चर है। खुल जा भाई, खुल जा, बंद होने की जरूरत नहीं है। सो ये है कुछ डिपार्चर। वाह वाह वाह, अंदर आते आते कुछ सुकून मिला यार। एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है, क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा कम है यहाँ पे, और उसके बाद इंटरनेशनल डिपार्चर है तो लोग इंटरनेशनल जो जाते हैं आते हैं, आने वाले तो नीचे होंगे, ये जाने वाला है। हमारी जो फ्लाइट है रात को 9 बजे, वो भी स्पाइस जेट। हम जा रहे हैं थाईलैंड और मेरे पास भात नहीं है, जो वहाँ की करेंसी है ना वो नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सचेंज, जो करेंसी एक्सचेंज है यहाँ पूछता हूँ। हेलो सिंचाओ, चेंज इंडियन रुपीज़ टू भात। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे पूछ रहा था, इसके नीचे जाना पड़ेगा, देखता हूँ यार, लेना तो है क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन पे कैसा है ना कि ना डोंग चलता है और ना ही डॉलर में चलता है, क्योंकि वहाँ पे कैश में पे करना पड़ता है, तो कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फाइनली यार देखो, मैंने यहाँ से 15 लाख निकाले और 5 लाख मेरे पास पहले से थे, यानी 20 लाख रुपये ही है। ये देखो, इतना ज़्यादा यहाँ पे अमीर था ना, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं 20 लाख दे रहा हूँ, थोड़ा सा रेट कम मिल रहा है, मतलब ऑनलाइन 1489 थाई बात दिखा रहा है और यहाँ पे दे रहे हैं 1388, मतलब 100 रुपये, मतलब 100 थाई बात, ये बहुत ही कम दे रहे हैं, मतलब 200 के करीब चार्ज कर दें। सो ओके, थैंक यू, दे दीजिए भैया। यार इतने सारे करेंसी हो गए ना, इन्होंने तो 1000 का दिया, देखो 1000 का ये भात में, ये थोड़ा पुराना है लेकिन ये देखो, इन्होंने 20-20 का इतने सारे करेंसी दे दिए ना कि आज तक मैंने इतने करेंसी हरे हरे देखे हैं यार, लेकिन ये थाई भात है, 20-20 का नोट है और ये है 1800 और ये 1000, 2800 हो गए। तो अब काम हो जाएगा हमारा। ओके थैंक यू, व्हाट्स योर नेम? मुंगचुंग, थैंक यू, या हमारा इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये रहा अपना बोर्डिंग पास। और बात करें यहाँ पे जो इमिग्रेशन वगैरह हुआ, इमिग्रेशन में मेरे इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लगा है। देखो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर आपके बड़े बड़े बाल हो ना कंधे तक और कहीं फॉरेन जा रहे हो तो कटवाना मत, क्योंकि वहाँ से निकलने के समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारा फोटो है, जैसे ही पूछा यही पूछा, क्योंकि वो चेक कर रहा था। कम से कम 10 मिनट लगा है मेरा इमिग्रेशन क्लियर करने में, बस बाल की वजह से, बाल कट गए, फेस भी चेंज हो गया है ना मेरा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। पहले स्मार्ट नहीं था, स्मार्ट हो गया, ये बोल रहे हैं। हाँ यही हो सकता है। तो चलो फाइनली अब एंट्री करते हैं थाईलैंड में, मज़ा करेंगे थाईलैंड में। आपके लिए एक सामान है यहाँ पे, ये देखो, आप आए हो वियतनाम तो ये ज़रूर लेके जाना। ये मैंने देखा था मार्केट में, लोकल मार्केट में, हनोई में, होचिमिन में, और यहाँ पे देखो एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला है। ये कोबरा है, देख रहे हो ना? नहीं। दो इसके अंदर है, और ये वाइन है ना कि कोई तेल वगैरह है, और इसके अंदर छिपकली है। ओ भाई साहब, छिपकली गिरगिट जो भी है यार, गिरगिट छिपकली जो भी है, देख रहे हो ना कितना खतरनाक है। तो यार देखो, बैठे हैं अभी एयरपोर्ट पे, तो हम लोग हिसाब कर रहे थे कि हमारा 20 दिनों में कितना खर्च हुआ। तो मैं अपना एक आदमी का खर्च बता दूँ, थोड़ा मोड़ा मैंने शॉपिंग भी किया है, तो मेरा यहाँ पे यहाँ की करेंसी में मैंने खर्च किए हैं 80 लाख रुपए। मैंने 60 लाख खर्च किए हैं सिटी के अंदर, और अभी मैंने यहाँ पे करेंसी जो कन्वर्ट कराई है कुछ थोड़ा सा, जो 20 लाख थे, तो टोटल यहाँ पे मेरे जो खर्च हुए वो हुए 80 लाख। 80 लाख खर्च कर दिए यार, 80 लाख, इतने 80 लाख रुपये कमाने में तो भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैंने 80 लाख 20 दिनों में उड़ा दिए हैं, वाह वाह वाह, सच में नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है यार। इतने सारे नोट, मैं तो हाथों से 5-5 लाख के, 1-1 लाख के नोट जा रहे थे,
तो 80 लाख, 80 लाख का जो जूता सुना है ना, 80 लाख यहाँ पे मैंने ऐसे उड़ाए हैं 20 दिनों में। और कुछ करेंसी अभी लेके भी जा रहा हूँ, मतलब कितने 7-8 लाख करेंसी लेके जा रहा हूँ इंडिया बांटने के लिए। लो भाई लो भाई लो भाई, टोटल 80 लाख मान लो कि 80 लाख खर्च हुए मेरे 20 दिनों का ट्रिप में। जय श्री राम। चलते हैं फ्लाइट के अंदर। हेलो हेलो स्वादी काम। ये भाई साहब एक्सपीरियंस मस्त। सीट देखो कहाँ मिला है, सबसे पीछे वाला जो होता है ना वो वाला सीट है मेरा, और जितिन भैया का साइड वाला एकदम मतलब पीछे बैठे हैं। अच्छा यार फ्लाइट अच्छी है, सीट वगैरह सब अच्छा है। जितिन भैया मिला तो हमारे को पैसेंजर है। Where is from? England. England? वेलकम टू बैंकॉक। ये मजा आने वाला है भाई साहब। वेलकम टू थाईलैंड बैंकॉक। स्वादी काम। सो गाइस वेलकम टू थाईलैंड वियतनाम, सॉरी थाईलैंड बैंकॉक। भाई यहाँ पे देखो पोस्टर लगा हुआ है, किन किन कंट्री होगा ना ये वीजा अराइवल देते हैं। प्यारा इंडिया। तो देखो यार पहली बार मैं थाईलैंड आया हूँ, तो अभी क्या है कि मेरा इमिग्रेशन वगैरह होगा यहाँ पे, मेरा क्या सबका होता है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है क्योंकि दूसरी कंट्री है मेरी। पहला था हमारा वियतनाम, दूसरा हो गया थाईलैंड। जब यहाँ पे लाइन लग चुका है देखो इमिग्रेशन के लिए, फॉर्म वगैरह भरते हैं उसके बाद इमिग्रेशन यहाँ पे होगा। चलो कैमरा बंद कर देते हैं क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है। हाँ ऐसा नहीं करना। सो फाइनल यार वेलकम टू थाईलैंड, सेकंड कंट्री में स्वागत है आप सभी का, क्योंकि अभी पहले हम थे वियतनाम में, अब घूमने वाले हैं पूरा का पूरा थाईलैंड। 15 दिनों का ट्रिप है, मज़ा आने वाला है। और बात करें यहाँ पे इमिग्रेशन का, तो पहली बार था थाईलैंड में और इतना स्मूथ इमिग्रेशन हुआ ना, क्या ये बताऊँ, मतलब सब जगह स्मूथ ही हो रहा है मेरे साथ। अभी ऐसा कहीं नहीं हुआ कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे इमिग्रेशन होता है, तो पहले इमिग्रेशन के लिए आपको वीजा ऑन अराइवल पे जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं 2200 भाद ना, 2200 भाद यानी 5200 के करीब इंडियन करेंसी में। वहाँ पे आपको 2 मिनट लगेंगे, वो आपको वीजा अराइवल दे देंगे, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए दूसरी लाइन में जाना पड़ता है, जहाँ 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं पूछते यार। और यहाँ पे निकलते इतने सारी ATM लगी है ना, ATM लगी है, एक्सचेंज रेट लगा और सब लगा है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ है, अगर कम होता है तो हम सिटी के अंदर निकालेंगे। तो फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ पे एक बस स्टैंड जो लेके जाएगी पटाया। तो चलो यार बने रहना, निकलते हैं यहाँ से पटाया। ओ भाई साहब फाइनली यार हम आ चुके हैं यहाँ पे बस टर्मिनल, और बस टर्मिनल आने के बाद ना यहाँ पे सिस्टम देखो, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसे लग रहा है ना कि हम स्टेशन पर आ गए हैं हमारे तरफ के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ का बस टर्मिनल है। और यहाँ से हमने लिया है टिकट, देखो यहाँ पटाया लिखा हुआ है। फाइनली पहुँच चुके हैं पटाया, अभी हमें बस टर्मिनल पर, अभी अभी बस से निकला हूँ मैं, अब बस के अंदर जाते जाते सो गया था इसीलिए बना नहीं पाया वीडियो। और मौसम की बात करें यहाँ पे पहुँचने के बाद, तो मौसम यहाँ पे अच्छा है। अब चलो फटाफट चलते हैं हम अपने होटल पे, दिखाते हैं हम अपना होटल। तो भाई यहाँ की कुछ ऐसी खूबसूरती है, ये देख रहे हो ना कितना अच्छा मौसम हो रखा है, थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा वाइट, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा, लेकिन हाँ यहाँ का मौसम अच्छा है। अभी जैसे कि हम वियतनाम से आ रहे हैं, तो वियतनाम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पर धूप है लेकिन गर्मी बहुत ही कम है। ये देखो यहाँ था बस टर्मिनल, और ये कुछ बाहर की खूबसूरती है। तो यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे ना, किसी कोने में देखोगे मंदिर, अगर मंदिर आपको मिलता है तो सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, शायद हिंदू धर्म के ही है। तो चलो यार रूम के बारे में बता दो, रूम हमें मिला है 4000 में 4 दिनों के लिए, वो भी सेंट्रल पटाया में, मेन पटाया में है भाई, मजा आने वाला है। सो फाइनली यार हाजिर आपको अपना रूम का टूर देते हैं। जैसे हम एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मिलता है फ्री में ये प्लास्टिक वाले चप्पल जूते जो भी होते हैं, अच्छा लग रहा है। और इसी के साइड में हमारा है बाथरूम, ये देखो वाह 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 वाह, इस बाथरूम में पिछवाड़ा धोने के लिए नहाने का काम आएगा। ओके, दिस इज गुड। पिछवाड़ा धोने के लिए है, अच्छा पिछवाड़ा धोने के लिए है, ये एक जरूरी चीज। और ये यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे ना फॉरेन में, तो इस पे ऐसे आप बैठ के फोन चला के अपना काम क्लियर कर लो। तो ये हुआ अपना बाथरूम, वाह ये टब देखो कितना अच्छा, इसमें कपड़े वपड़े धो सकते हैं। और एक बात, ये देखो यहाँ पे ना साबुन सर्फ सब मिल रहा है, और यहाँ तक कि मॉइस्चराइजर कंडीशनर, वाह वाह क्या क्या मिल रहा है भाई साहब, क्या क्या ये
साबुन है हाथ धोने के लिए, खाने के लिए क्या कुछ, रखने पे ला चलो जो भी है। ओ माय गॉड क्या क्या है भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आगे की कुछ खूबसूरती। ये देखो ये बेड देखो, ये काम के लिए ये बेड इन्होंने कितना अच्छा से बना रखा है। और 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 कम 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 कम, ये देखो हमारे स्वागत में इन्होंने क्या क्या दिया है, इतने सारे चाय की पत्तियां, गिलास, यहाँ तक कि जोश में तोड़ मत दियो, यहाँ तक कि मुंह फ्रेश रखने के लिए च्यूइंग गम। और ये क्या है, सिगरेट छिछे रख दे, ये यहाँ पे कॉमन चीज है। ये क्या है, कॉन्डम, छी छी भाई साहब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हमारे यूज का नहीं है। हाँ ये यूज का है, ये हमारे यूज का है, ये सूप सूप नहीं है, ये मैगी है, प्रॉन्स वाला 20 का है ये, सॉरी यहाँ के डॉलर यहाँ के करेंसी में 20 का है, हमारे में 50 करीब। टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है यहाँ पे, ओ तेरी की, ये क्या है, ये तो शीशा इतना क्लीन है कि दिखाई नहीं मुझे। और सबसे प्लस पॉइंट चीज, आ जाओ टन टन, ये देखो यहाँ से है व्यू, अभी जिस एरिया पे हैं हम वो है पूरा सेंट्रल पटाया, यहाँ से हमें पूरा रोड का व्यू दिखेगा, A1 का दिख रहा है ना, दिखाओ थोड़ा इधर आगे करके दिखाओ, जनता को दिखाओ, ये देखना चाहती है जनता, देखो 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 ये है मेन रोड। सो अब बता दूँ कि हमें ये रूम मिला कितने में है, तो हमें ये रूम मिला है मात्र 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 1000 का, तो हम 4 तक मजे करेंगे पटाया में। सो फाइनली ये था अपना रूम का टूर, आई होप, तो आशा करते हैं ये वाली वीडियो जो हमारी स्टार्ट हुई थी वियतनाम से और ख़त्म हुई है पटाया में आके, तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और चैनल सब्सक्राइब रखा है उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होने वाला है धमाल, समझ रहे हो ना, पटाया में धमाल। गुड नाइट, बाय बाय।